हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार, बायोलॉजी लेक्चरर, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आरके बायोलॉजी क्लासेज सीकर में, जहां दोस्तों आज अपन चर्चा करेंगे फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का जो मुख्य टॉपिक अपने इकोलॉजी उससे बनने वाले 75 मुख्य क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। तो देखिए, वीडियो काफ़ी अच्छा है, वीडियो को शुरू करते हैं, लाइक कर दीजिए और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। जीव जो समान पर्यावरण में रहते हैं वह होंगे समान, यानी किस में समान होते हैं, जो समान पर्यावरण में रहते हैं, समान जाति, समान वंश, जनसंख्या या समुदाय के। तो सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, होगा जनसंख्या के। जीव जो समान पर्यावरण में रहते हैं ना, वह होंगे जनसंख्या के समान होंगे, क्योंकि पर्यावरण में तो अपन मानते हैं प्रत्येक जाति के वंश के अलग अलग रोग रहते हैं, इसलिए उनको जनसंख्या के समान मानेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, खनिज धातु तथा जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के ऊर्जा संसाधन है, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव अपघटनीय या अपघटनीय। तो वह होते हैं दोस्तों अनवीकरणीय, सेकेंड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, इथोलॉजी अध्ययन माना जाता है, इथोलॉजी किसका अध्ययन होता है, जंतु व्यवहार का, जीन के पूर्व जीवन का, रोगाणु द्वारा उत्पन्न रोग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इथोलॉजी जो अध्ययन होता है जंतु के व्यवहार का होता है, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। तालाब परितंत्र का उदाहरण है कृत्रिम, प्राकृतिक, वन या घास स्थल, तो वो होता है प्राकृतिक का, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाँच नंबर, ताप या थर्मल प्रदूषण होता है विद्युत गृह द्वारा, उद्योग द्वारा, वाहन द्वारा या सभी के द्वारा। तो तीनों के द्वारा होता है, तो उपरोक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमस है, तो ह्यूमस क्या होती है दोस्तों, मृत तथा अपघटित कार्बनिक पदार्थ, जीवित पदार्थ, उर्वरक या जीवित जंतु। तो ह्यूमस क्या है, मृत तथा अपघटित कार्बनिक पदार्थ है, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, सात नंबर का जो क्वेश्चन है, जल में अतिरिक्त पदार्थों के समायोजन से जल के भौतिक तथा रासायनिक गुण में परिवर्तन हो जाता है, इसे जल प्रदूषण कहते हैं, तो इसका परिमाण क्या होगा, परिणाम की अगर अपन बात करेंगे तो देखिए, मटमेलापन तथा ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कम होगा, चौथा ऑप्शन राइट होगा इसमें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, आठ नंबर, निम्न में से सबसे ज़्यादा उत्पादक इकोसिस्टम कौन सा होता है, वेलासगम, खुला समुद्र, रेगिस्तान या पहाड़। तो सही ऑप्शन क्या होगा, वेलासगम इकोसिस्टम। अगला क्वेश्चन देखिए, नौ नंबर, निम्न में से कौन सा हरितगृह गैस नहीं है, CH4N2O H2O या CO2। तो अपने को पता है कि जो H2O जल है वह एक हरितगृह गैस नहीं है, थर्ड ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, उच्च BOD दर्शाता है उच्च प्रदूषित HO2, निम्न प्रदूषित H2O, कम वाहित मल या कम सूक्ष्म जीव। तो उच्च BOD जो प्रदर्शित करता है ना दोस्तों, वह उच्च प्रदूषित H2O को प्रदर्शित करता है, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रदूषक की सांद्रता खाद्य श्रृंखला में बढ़ते जाना है, तो वह जैविक आवर्धन, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, वन पारितंत्र में ऊर्जा का स्तूप कैसा होता है, सीधा, उल्टा, दोनों या कोई नहीं। तो वन जो पारिस्थितिक तंत्र होता है दोस्तों, उसमें ऊर्जा का स्तूप जो होता है हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, फिर 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, इकोसिस्टम का महत्व होता है ऊर्जा प्रवाह में, खनिज चक्रण, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं। तो इकोसिस्टम का जो महत्व होता है दोस्तों, वो होता है उपरोक्त दोनों, यानी ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्रण दोनों में होगा। नेक्स्ट 14 नंबर, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है, पेट्रोल, कोयला, नाभिक ईंधन या वृक्ष। तो इसमें अपन मानते हैं वृक्ष जो है ना, वह नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट देखिए, 15 नंबर जो है दोस्तों, परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सही मार्ग कौन सा होता है, परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह अगर देखें ना, पहले आता उत्पादक, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर अपघटक। तो सेकेंड ऑप्शन देखिए दोस्तों, उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी और अपघटक, ये होगा। नेक्स्ट, प्राथमिक उत्पादकों की संख्या इकाई क्षेत्र में सर्वाधिक होगी, तो किसमें सर्वाधिक होती है, तालाब पारितंत्र में होती है, थर्ड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है किससे प्रारंभ मानी गई है, प्रकाश संश्लेषित जीवों से अपन मानते हैं प्रारंभ होती है। नेक्स्ट देखें, नेपन्थीज है, तो नेपन्थीज क्या होती है दोस्तों,
नेपंतीज को अगर अपन माने तो ये क्या है, प्राथमिक उत्पादक तथा उपभोक्ता मानते हैं, थर्ड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषण होता है, वायु केवल, वायु मृदा जल या वायु तथा जल। तो डीडीटी के छिड़काव से अपन देखते हैं वायु प्रदूषण भी होता है, मृदा प्रदूषण भी होता है और जल प्रदूषण भी होता है, थर्ड ऑप्शन तीनों होंगे। नेक्स्ट देखिए फिर 10 नंबर 20 नंबर, प्रमुख पादप पारिस्थितिज्ञ का नाम है, तो वह होता है मुख्य रूप से रामदेव मिश्रा, थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, जैविक साम्यावस्था पाई जाती है, तो ये किसमें पाई जाती है, उत्पादक तथा उपभोक्ता तथा अपघटक में, उत्पादक उपभोक्ता तथा अपघटक में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 22 नंबर का जो क्वेश्चन है, किसी विशेष पारितंत्र में विशेष समय पर एक ही जाति के सदस्यों की संख्या नियत रहती है, जिसके कारण अपन विशेष समय न दे तो मानव परजीवी परभक्षी या उपलब्ध है नियत रहेगी, किसके कारण रहेगी। देखो क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी विशेष पारितंत्र में विशेष समय दे दिया अपने को, तो एक ही जाति के सदस्यों की संख्या नियत रहती है, तो वह किसके कारण रहती है, तो वह रहती है उपलब्ध भोजन के कारण रहती है दोस्तों। और अगर यहीं पर अगर अपने को दे दे कि विशेष समय ने दिया हो, तो वहां पर अपन बात क्या करेंगे, परभक्षी के कारण होती है। नेक्स्ट 23 नंबर, पारितंत्र के दो घटक होते हैं, जैविक अजैविक, पादप जंतु खरपतवार सूक्ष्म जीव पादप तथा प्रकाश। तो पारितंत्र के घटक की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो वह कौन से होते हैं, जैविक और अजैविक घटक, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, घास पारितंत्र में संख्या का पिरामिड होगा, रेखीय सीधा अनियमित और उल्टा। तो घास पारितंत्र में संख्या का जो पिरामिड होता है दोस्तों, वह हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट, पुनः उपयोग के लिए वाहित जल को स्वच्छ किया जा सकता है, प्रकाश द्वारा, सूक्ष्म जीव द्वारा, जलीय पादपों द्वारा या मछलियों द्वारा। तो वह किसके द्वारा किया जा सकता है दोस्तों, सूक्ष्म जीवों द्वारा, सेकंड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन खतरनाक नहीं है, जैविक प्रदूषक, ओजोन परत, नाभिकीय विस्फोट और वनोन्मूलन। तो इनमें से अपन देखेंगे ओजोन परत जो है वह खतरनाक नहीं है। नेक्स्ट, वायुमंडल में CO2 का सही प्रतिशत क्या होता है, तो 0.03%, 0.3%, 1% या 1.1%, तो वह माना जाता है 0.03%। नेक्स्ट देखिए, जलीय पर्यावरण में सूक्ष्म जीवता जंतुओं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है पल्लवक, चौथा ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, 5 जून है, 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, 5 जून को अपन मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, फर्स्ट ऑप्शन राइट। पारितंत्र में तत्वों पदार्थों के चक्र को क्या कहते हैं, रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र या भू रासायनिक चक्र, तो इन्हें कहते हैं दोस्तों अपन जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। दोस्तों सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस जीवाणु में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस और राइजोबियम। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की जो क्षमता होती है दोस्तों, वह राइजोबियम में होती है, चौथा ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, काजीरंगा नेशनल पार्क में संरक्षित जंतु कौन सा है, तो वह गेंडा, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हरित गृह गैसों का सही युग्म है, तो सही युग्म की अगर अपन बात करें दोस्तों, एक तो CO2, CH4, N2O3, थर्ड ऑप्शन इसमें सही होगा। एक मिनट देखिए दोस्तों, अच्छा नहीं, ये फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों, थर्ड नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है इसमें, CH4, CO2 और N2O ये होगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, पारितंत्र है, तो पारितंत्र क्या है, पादप जंतु, वायुजल, मृदा प्रकाश, जैविक तथा अजैविक घटक। तो पारितंत्र में जैविक तथा अजैविक घटक आते हैं, चौथा ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साल तथा टीक पाए जाते हैं, तो ये होते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में होते हैं, सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए फिर, अपघटक है, तो अपघटक जो होते हैं ना दोस्तों, वे क्या है, विषमपोषी होते हैं, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, अम्लीय जो वर्षा है किस प्रदूषक के कारण होती है, तो अम्लीय वर्षा का कारण SO2 तथा NO2 होते हैं।
नेक्स्ट, निम्न में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक होते हैं? तो होता है वायुमल, ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है कि खाद्य श्रृंखला के दौरान सर्वाधिक ऊर्जा संग्रहित रहती है, तो वह उत्पादक में रहती है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, कीटारी पादप प्राय पाए जाते हैं, तो वह नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, फास्फोरस चक्र वेथरिंग यानी कि अपसरण में द्वारा सर्वप्रथम फॉस्फेट किसको उपलब्ध होता है? तो सर्वप्रथम तो उत्पादक को ही होगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है कि फिर खाद्य श्रृंखला में कुल जीवित पदार्थ को दर्शाया जाता है, तो वह होता है जैव भार के पिरामिड द्वारा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला, नाइट्रेट नाइट्रोजन में बदलता है, तो वह बदलता है विनाइट्रीकरण जीवाणु द्वारा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है कि वाहनों से निकलने वाला सबसे घातक धातु प्रदूषक कौन सा होता है? तो वह होता है लेड। नेक्स्ट, तालाब पारितंत्र में डायटम क्या होते हैं? तो डायटम को उत्पादक माने गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक जातियों के समूह को क्या कहते हैं? तो वह कहलाता है दोस्तों पादप समुदाय, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, वायु गुणवत्ता का सूचक अपन मानते हैं, तो वह किसे मानते हैं? लाइकेन को मानते हैं दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कि तालाब पारितंत्र में जैव भार का पिरामिड कैसा होता है? तो वो होता है उल्टा होता है, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है कि रक्त हीमोग्लोबिन के साथ उच्च बंधुता दर्शाता है, तो वो होता है CO। नेक्स्ट, एल्टोनियन पिरामिड में शेर को रखा जाता है, तो शेर को रखा जाता है मुख्य रूप से अगर अपन देखें दोस्तों तृतीयक उपभोक्ता में, चौथा ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है कि पादप जो शुष्क स्थिति में उगते हैं मरुद्भिद कहलाते हैं, फर्स्ट ऑप्शन। मृत सड़े गले जीव पर विकसित होने वाले जीवाणु तथा कवक कौन से होते हैं? तो वे होते हैं मृतोपजीवी, थर्ड ऑप्शन। मीनामाटा रोग किस जल प्रदूषण के कारण होता है? तो वह मरकरी से प्रदूषित जल से होता है, थर्ड ऑप्शन। गुरुत्व द्वारा लाई गई मृदा है, तो वह कोलुवियल, सेकंड ऑप्शन सही होगा। वेलामेन जो उत्तक है पाए जाते हैं, तो वह अधिपादप में पाए जाते हैं, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 56 नंबर, न्यूमेटोफोर प्रमुख लक्षण माना गया है राइजोफोरा में, सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कि पादप पल्लवक मुख्य जैविक घटक माने जाते हैं तालाब में। वायु द्वारा लाई गई मृदा है, तो वायु द्वारा लाई गई जो मृदा है दोस्तों वह इओलियन है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट 59, पृथ्वी सतह के प्रकार तथा व्यवहार से संबंधित कारक कौन सा है? टोपोग्राफी है, सेकंड ऑप्शन। कौन से पारिस्थितीय पिरामिड कभी उल्टा नहीं बनता है? तो वह होता है ऊर्जा का, थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कि 61, वायु मृदुतक पादपों में सहायक है, तो जलीय पादपों में उत्प्लावकता प्रदान करने में ये सहायक माने जाते हैं, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 62 नंबर, पारितंत्र में दो वनस्पति पृथक होती है, इकोटोन द्वारा, इकोक्लाइन द्वारा, पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा या इकेसिस द्वारा? तो यह होती है दोस्तों इकोटोन द्वारा, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, मोर सांप को खाता है, सांप मेंढक को खाता है, मेंढक कीटों को खाता है, जबकि कीट हरे पादपों को खाते हैं, तो मोर का स्थान कैसा होगा? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आज के वीडियो का। तो देखिए मोर सांप को खा रहा है, सांप मेंढक को खा रहा है, मेंढक कीटों को खाता है, जबकि कीट हरे पादपों को खाता है, तो मोर का स्थान अपने को उल्टी श्रृंखला दे रखी है दोस्तों, अपने को इससे इस प्रकार से जोड़िए जैसे इसमें अपन मानते हैं उत्पादक की श्रेणी में आएंगे तो पादप आ गए, पादपों पर डिपेंड रहने वाले उपभोक्ता प्राथमिक कीट हो गए, फिर द्वितीयक उपभोक्ता मेंढक हो गए, तृतीयक अपन मानेंगे कि सांप हो जाता है, और चौथा जो होता है वह मोर यानी कि वह उच्च अपन मान सकते हैं, उच्च श्रृंखला जीव या चतुर्थ उपभोक्ता भी अपन इसे मान सकते हैं या सबसे ऊपरी मान सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक, अपघटक या खाद्य श्रृंखला में उच्च जीव, तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा? खाद्य श्रृंखला में उच्च जीव हो जाएगा मोर, चौथा ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखिए फिर पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, ATP, पादपों द्वारा बनाया गया शर्करा और हरे पादप, तो ये होते हैं सूर्य, फर्स्ट ऑप्शन राइट। नेक्स्ट देखिए
प्रदूषण या प्रदूषण का प्रभाव सर्वप्रथम देखा जाता है सूक्ष्म जीवों पर, क्षेत्र की वनस्पति पर, खाद्य फसल पर या कोई नहीं, तो यह देखा जाता है क्षेत्र की वनस्पति पर, सेकंड ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, लेग्यूम पादप वायुमंडल के लिए महत्वपूर्ण है क्यों? तो लेग्यूम जो पादप होते हैं वायुमंडल के महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये क्या करते हैं, NO2 स्थिरीकरण में मदद करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, प्रदूषण नहीं होता है, 67 प्रदूषण नहीं होता है तो वह देखिए तापीय ऊष्मीय ग्रह द्वारा, वायु वाहनों द्वारा, नाभिकीय ऊर्जा द्वारा या जल विद्युत ग्रह द्वारा। तो प्रदूषण नहीं होता है किसके द्वारा नहीं होता है, जल विद्युत ग्रह द्वारा नहीं होता है, चौथा ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, ताजमहल का मार्बल प्रभावित होता है SO2 O2 O3 या NO2 से, तो ये प्रभावित किससे होता है, SO2 से होता है, फर्स्ट ऑप्शन। मीनामाटा रोग सर्वप्रथम पाया गया जापान, चीन, कोरिया या रूस, तो यह पाया गया जापान में, ए ऑप्शन। पादप जो शुष्क तथा लवणीय मृदा में उगते हैं, जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट या हीलियोफाइट, तो ये होते हैं हेलोफाइट, थर्ड ऑप्शन राइट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, फिर 71 नंबर, निम्न में से कौन जलीय पादपों में विकसित होता है, वायु मृदुतक, स्थूल कोणोतक, रंध्र या जड़ तंत्र, तो इसमें वायु मृदुतक, फर्स्ट ऑप्शन राइट। नेक्स्ट देखिए, उष्णकटिबंधीय वन सघन होते हैं, तो ये होते हैं उच्च वर्षा तथा उच्च ताप के कारण, चौथा ऑप्शन राइट होगा। समुदाय है तो समुदाय अपन किसे मानते हैं दोस्तों, समुदाय, तो समुदाय की अगर अपन बात करें तो विभिन्न जातियों का विशेष क्षेत्र में मिलने वाला स्वतंत्र तथा अंतर संबंधित समूह जो होता है उसे अपन क्या कहते हैं, समुदाय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्द इकोसिस्टम किसने दिया, ओडम, कोस्टलर, टेंसले और मोबियस तथा फ्रोब्स ने, तो शब्द जो इकोसिस्टम की अगर अपन बात करें ना दोस्तों तो वह किसके द्वारा दिया गया है, तो वह दिया गया है अपने टेंसले के द्वारा, थर्ड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, वन परितंत्र में कवक है, तो वन परितंत्र में अगर कवक की बात करें तो वे होते हैं अपघटक है, सेकंड ऑप्शन जो होगा वह सही होगा। तो दोस्तों ये थे मुख्य 75 क्वेश्चन इस पार्ट के, आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।